बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली रैपअप के साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग एक डोजी फॉर्म पे हुई है। एज कम्पेयर टू लास्ट वीक देखें तो वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम हुए, इतने ज्यादा वो नहीं हुए। लास्ट वीक में जो है 1.17 बिलियन या 1.178 समझ लें बिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, और इस वीक में जो है 1.13 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ और एक डोजी फॉर्म हुआ है। ठीक है, डोजी में ये होता है कि यहाँ अप साइड पे जो है अब थोड़ा सा जो है ये समझ लें इनडिसाइसिव है, बायर्स और सेलर दोनों में इस पर कशमकश चल रही है। जिस तरह पहले भी होता रहता है, यहाँ डोजी बना, यहाँ फिर भी डोजी बना, फिर यहाँ से फिर हमने अपसाइड फिर मूवमेंट देखी। तो मैं लास्ट वीक में आपको बताया था इसकी वजह ये है, मार्केट कैपिटलाइजेशन और अभी तक बिग प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन है मार्केट में, वो आप देख रहे हैं। स्पेशली आप पीपीलीपी का डाटा देखते हैं तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इसमें स्पेशली फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन अभी तक है। तो इसको अगर हम देखें तो वैसे भी मैंने आपसे देखा ना वीकली पे आपके साथ शेयर भी किया था मैंने, यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये हल्का सा डाइवर्जेंस आ रहा था, बेरिश डाइवर्जेंस जिसे कहते हैं, तो इसको निगेट किया है। और अभी रिसेंटली मैंने आपको डेली पे भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, डेली पे भी थोड़ा सा डाइवर्जेंस आ रहा था, वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, डेली पे भी देखें ये एकदम ये सीधा आ रहा है, यहाँ पे ये नीचे जा रही थी लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन थी अपसाइड पे जो थी यहाँ सीधी है बिल्कुल, और यहाँ पे डाउन थ्रेड पे थोड़े यहाँ पे भी डेली पे डाइवर्जेंस आ रहा था। ठीक है, ये मैंने आपको लाइन चार्ट के हिसाब से समझा दिया। अब मैं आपको जरा ये बता दूं कि यहाँ पे इस वक्त जो है सॉरी डेली में देखें आप तो ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी, ये था 74,700 से लेके और 75,500 के दरमियान, 75,500-75,600 ये सब जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रही थी, और ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता था कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है तो यहाँ पे यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है, क्योंकि डाइवर्जेंस भी आ रहा था वीकली पे भी और डेली पे भी, प्लस यहाँ पे गैप भी था, गैप तो काफी आए हुए लेकिन रिसेंट गैप भी एक यहाँ पे नजर आ रहा है 71,000-72,000 के अराउंड, 71,900-72,000 तो ये भी एक नजर आ रहा था और डाइवर्जेंस भी आ रहा था। लेकिन ये इस कैंडल ने जो है अगर आप डेली की कैंडल देखें तो ये फ्राइडे वाले दिन की है, तो वॉल्यूम देखें तो इतने ज्यादा नहीं थे एज कम्पेयर टू प्रीवियस डे। देखें तो जुमेरात वाले दिन तकरीबन 337 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था और जुम्मे वाले दिन जो है 310 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे भी देखें थोड़ा वॉल्यूम में डाइवर्जेंस आ रहा है। ठीक है, मार्केट के लेवल्स और वॉल्यूम में डाइवर्जेंस आ रहा है क्योंकि लेवल काफी बढ़े यहाँ से लेकिन वॉल्यूम इतने नहीं बढ़े इसके साथ। ठीक है, डेली में तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ये अच्छी बड़ी बिग कैंडल जो है बुलिश नजर आ रही है विद रिजेक्शन अराउंड 71,000-76,000, जो मैंने बोला था 76,110-120-130 इस तरह से जो है यहाँ पे था। तो इसने मार्केट ने अपना हाई किया था 76,248 का। ठीक है ना, और यहाँ से हमने फिर रिजेक्शन देखी यहाँ पे। तो एक्चुअली अगर हम देखें सीपीआर के लेवल के हिसाब से तो सीपीआर का लेवल यहाँ मेंशन कर रहा है अपर बैंड जो है 76,127 या 130 समझ लें। ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट परफॉर्म करती है तो मजीद अपसाइड देख सकते हैं, और जो मिडिल है इसका मिडिल बैंड है वो 75,114-110-75,000 ये समझ लें, ये प्लस माइनस 100 से 300 तक ये हो सकता है। फिर एक ये अच्छा अब ये देखें इसमें यहाँ पे ये थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है लेकिन यहाँ पे थोड़ा वाइड हो गया है ये जो लोअर बैंड है एज कम्पेयर टू अपर बैंड एंड मिडिल बैंड। तो अगर हम देखें तो मिडिल बैंड और लोअर बैंड में फासला ज्यादा आ गया है। तो हमेशा कभी ऐसे डाउन साइड पे भी ऐसा होता है ना, श्रिंक हो रहा होता है या तीनों बैंड श्रिंक हो रहे हैं या कोई दो बैंड श्रिंक हो रहे हो तो इसकी इंडिकेशन होती है कि अपर साइड या लोअर साइड पे बड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। तो इससे ये जाहिर हो रहा है ये दो तो श्रिंक हो रहे हैं, तीसरा बैंड जो है वो थोड़ा सा वो हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे कि मार्केट साइडवेज हो जाए अपर साइड पे थोड़ी, जिस तरह यहाँ पे अपर साइड पे थोड़ी हो गई थी साइडवेज, हो सकता है ये साइडवेज हो जाए या फिर थोड़ी नीचे भी आए रिट्रेस करने के लिए, क्योंकि अभी रोल ओवर चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये अच्छा लास्ट वीक में, सॉरी मैं आपसे जरा माजरा कर लूँ कि लास्ट वीक में जरा मिसकैलकुलेशन हो गई थी, मैंने लास्ट वीक बोला था कि रोल ओवर वीक जो है अभी से ये भी जो चल रहा था वीक ये इससे शुरू हो जाएगा। अब जो वीक आएगा ना 27th of May तो उसमें जो है 27th of May जो है यहाँ से फिर ये मंडे से रोल ओवर वीक शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से हो सकता है सेलिंग प्रेशर आए और ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट अगर चेंज हो रहे होते हैं तो जैसे अभी मई का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म होने वाला है तो जून में जो है वो देखेंगे कि उसमें वो स्विच हो रहे हैं कि नहीं
या फिर ये कि जून में ओपन इंटरेस्ट जो है शॉर्ट सेलर के लिए ओपन हुआ हुआ है, ये पता चल जाएगा किसके फेवर में जा रहा है ओपन इंटरेस्ट जो है, तो उससे सेटलमेंट से अंदाजा हो जाएगा कि लोगों ने स्विच किए हैं जून में या सेलिंग की है सिर्फ। तो सेटलमेंट जब आ जाएगी मंगल वाले दिन तो पता चल जाएगा, तो उससे भी अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन कहाँ क्या होगी, कहाँ पर जाएगी। प्लस ये कि अभी देखिए जून, अभी जून चलेगा स्टार्ट होगा, तो जून एंड जुलाई से जो है ना वो फिर अगेन फिर एक सीजन स्टार्ट हो जाएगा। और अच्छा है क्योंकि कुछ कंपनीज के जो है हाफ ईयर के होंगे, कुछ के जो है फुल ईयर की अनाउंसमेंट आने वाली है, तो ये बड़ा वॉलेटाइल रहेगा स्पेशली जुलाई का मंथ। जुलाई से अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगी, कुछ 30 दिसंबर 30 जून तक तो जो है ये सबके जो बुक क्लोज हो जाएंगी, मतलब अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, 6 मंथली और ईयरली अकाउंट, एनुअल अकाउंट। तो इसके बाद जो फिर हम देखेंगे इसमें क्या होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जून के महीने फिर अगर जो जिनकी ग्रोथ अच्छी आई ऑब्वियसली क्वार्टर में, तो जून की भी एक्सपेक्टेशन अच्छी होगी कि अच्छी ग्रोथ आएगी, तो हो सकता है उन स्टॉक में इतनी गिरावट ना आए जितनी दूसरे स्टॉक में, जिनका स्पेशली उनका जिनकी ग्रोथ जरा कम आई है तो उनमें हम फिर देख सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट पे आ सकता है। तो अभी वैसे एज सच अभी टेक्निकली तो देखें, मैं आपको ये बता दूं तो वापिस हम वीक पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी टेक्निकली देखें, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं आपको यहाँ से जो बता देता हूँ दोबारा, एक मैंने आपको एक इंडिकेटर बताया था MA मूविंग एवरेज, इसके जो टाइम पीरियड होगा वो 5 होगा, ठीक है ना। इनपुट ये लेंथ जो होगी ना उस पर आप इनपुट पे जाके लेंथ 5 करेंगे ना, ठीक है। अभी देखिए इसकी रिस्पेक्टिवली वीक में हम थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर दूं, ठीक, इसी के रिस्पेक्टिवली मार्केट देखे चल रही है एक तरह से एक लाइन। मैंने तो ऐसे ही मतलब ऑन द लाइटर नोट कहा था, रेलवे लाइन जैसे रेल चल रही है लाइन के साथ साथ, देखे ना ये इसी तरह एक अपवर्ड मूवमेंट जा रही है यहाँ से, और ये चैनल बना हुआ एक तरह से, तो ये अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है और ये बड़ा अच्छा काम करता है। जिनको टेक्निकल ज्यादा नहीं आता तो कम से कम ये प्लॉट करके देख लें, किसी भी टाइम फ्रेम में प्लॉट करके देख लें, आपको पता चल जाएगा अगर उसको क्रॉस उसको जो है ब्रीच करता है और वापस इसको ये जो है रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये अपर साइड पे सेलिंग है, फिर नीचे फिर कहीं ना कहीं ये ऑनर करेगा कोई ना कोई सपोर्ट लेवल को। तो ये देखें मैंने आपको जिस तरह बताया था इसी के रिस्पेक्टिवली वीकली में तो बड़ा देखें इसी को मतलब समझे टच करता हुआ ऊपर जा रहा है, यही सपोर्ट इसका लेवल है। जैसे यहाँ पे था इसका लेवल 65,300, फिर ये लेवल था 66,200, लेकिन 66,500 या 600 पे करके इसने सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे था इसी के ऊपर रहा है या इसी को टच भी किया है। देखिए यहाँ पे ये यहाँ जो 29 अप्रैल का जो वीक वीक था उसको यहाँ पे इसने ये टच किया, यहाँ पे देखे ना यहाँ पे ये वैसे बनता था ये लेवल 70,000 के करीब, 70,600 700 ये, और इसने फिर लो किया था 70,562 का। तो अभी इसी के रिस्पेक्टिवली जो है मार्केट परफॉर्म कर रही है, तो वीकली पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगी, अगर ये नीचे इसको इसके नीचे परफॉर्म करना शुरू कर दे तो फिर ये डाउन साइड की तरफ आ सकता है इंडेक्स। डेली पे भी इसी तरह हम देख रहे हैं, जैसे हमने MA प्लॉट करते देखे इसी के रिस्पेक्ट, आपको मैं जरा इसको जूम आउट कर दूं थोड़ा सा, देखे डेली में थोड़ा सा ये नीचे आया, इसको निगेट किया एक बुलिश कैंडल ने, फिर अपवर्ड मूवमेंट दिखाई, फिर देखें यहाँ पर भी ये थोड़ा सा ये डोजीज बन डाउन साइड पे डोजीज बन रहे हैं, वही अगेन जैसे इंडिसाइसिव दोनों तरफ से होता है, सेलर और बायर दोनों जो इंडिसाइसिव हो जाते हैं कि भाई इसको यहाँ पे मजीद सेलिंग करें ना करें, और बायर भी इस पर सोच रहे होते हैं, फिर यहाँ से वही बिग प्लेयर एक्टिव होते हैं, फिर ये नीचे। अब आप देखें कि इसी के थोड़ा तो नीचे आती है, ठीक है, इसके भी ऐसा नहीं होता कि यार रिजेक्शन आ रही हो, यहाँ देखें यहाँ बायर एक्टिवेट होते हैं इसके नीचे वाली साइड पे, देखें यहाँ पे वीक बन नीचे वाली साइड पे विक बन रही थी, ठीक है, एक बॉडी बन रही थी यहाँ पे, अगेन एक बॉडी बन रही थी लेकिन विक कोई नहीं बन रही थी। आप यहाँ देखें यहाँ पर भी कोई विक नहीं बनी, नीचे पे विक बन रही थी, जैसे ये नीचे वाली साइड पे विक है, अपर साइड पे कोई विक नहीं बन रही, विक बन रही थी उसके बाद कैंडल बन रही हो, तो वो एक थोड़ा रिजेक्शन हम उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रॉफिट टेकिंग ही नजर आई है, देखें ये प्रॉफिट टेकिंग में फिर अगेन यहाँ से यहाँ कंसोलिडेट करके फिर ये अपर साइड पे मूवमेंट दिखा रही है मार्केट, यहाँ से फिर यहाँ से, मतलब प्रॉफिट टेकिंग भी साथ साथ चल रहे हो। मैं भी इसलिए आपको कहता रहता हूँ कि प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते रहे आप, ठीक है। तो अभी भी देखें ना ये गैप फिल जो है 72,000 वाला एरिया जो है ये अभी भी गैप फिल हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी जून में हो सकता है प्रेशर रहे मार्केट में, वो फिर सेटलमेंट का पता चलेगा। अभी तो वीकली पे तो अभी देखें तो मार्केट अपसाइड ही मूवमेंट दिखा रही है, ठीक
ठीक है, जो मैंने आपसे बताया था जो लेवल था 73,600 का, उसको देखेंगे। ये वाला यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है या इसके ऊपर मार्केट परफॉर्म करती है तो मजीद ये सारे बैरियर बीच में अभी आते जाएंगे, 76,000, 78,000, 80,000। लेकिन अभी जब तक ये 73,600 के ऊपर परफॉर्म कर रही है तो ये एक्सपोज है। मैं वीकली में बात कर रहा हूँ, वीकली का टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम होता है, ठीक है ना, ये 1-2 महीने का नहीं होता, 6 महीने 8 महीने, ये कभी भी इसको एक्सपोज, जब तक इसके ऊपर है ये एक्सपोज है, तो हो सकता है 1 महीने में 2 महीने में विद इन होता ही है। तो ये देखें 84,800 एक्सपोज है, ये कभी भी जरूरी नहीं है कि इसको रीटेस्ट करें, लेकिन ये हो सकता है ये एक्सपोज हो गया ये, कि अब आगे जो इसका जो नेक्स्ट जो लेवल या रिजेक्शन का लेवल आ सकता है वो 84,800 पे आ सकता है, लेकिन इसके बीच में हर्डल्स आएंगे, ठीक है ना। वो हर्डल्स में आपको डेली में कभी इंशाल्लाह होगा तो बता दूंगा, उसमें 77,000 है, 77, 78, फिर 80,000 के ऊपर 80,500, तो ये सब लेवल्स हैं जो बीच में हर्डल की शक्ल में आएंगे। लेकिन जिस तरह इसमें बीच में आ रहे हैं, 73,600 के बाद ये 75,100 आया, इसको रिटेस्ट किया, फिर ये अब ये अगेन जो है 76,120, 130 का लेवल आया है। अभी आप देखें नेक्स्ट वीक में क्या परफॉर्म करती है मार्केट, तो अगर इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो फिर ये मार्केट और अपसाइड दिखाती रहेगी। इसकी देखिए वजह ये है, अपर जाने की ऊपर जाने की वजह ये अपर साइड पे, कि ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देना ये बढ़ता जा रहा है। अभी 10.0248 मिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया, जिस तरह हम अगर बिलियन में देखें 10,284 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है। यही चीज जो है वो हर डाइवर्जेंस को निगेट कर रही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट आ रही है। और जैसे फॉरेन कॉर्पोरेट है तो उनको वो डॉलर में एक्सचेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उनको ये चीज अभी स्टॉक अभी भी इनको चीप नजर आते हैं कि भाई अभी चीप प्राइस में मिल रहे हैं तो उनको आप ले लें, एक्यूमुलेट करें यहाँ पे, तो हायर साइड पे भी ले रहे हैं, डाउन साइड पे भी जैसे सपोर्ट आती है तो वहां पर भी एक्यूमुलेशन हो रही होती है अच्छे स्टॉक्स की जो डिविडेंड ओरिएंटेड है। तो उन्हीं का मैसेज, जैसे मैंने आपको पहले कहा, तो उन्हीं का फोकस करें। सेक्टर में मैंने आपको बताया अभी भी फार्मा में गुंजाइश है, फार्मा भी पूरी तरह से चला नहीं है। ऑटो सेक्टर में भी अभी जैसे कुछ अच्छे कंपनीज हैं उनके ग्रोथ अच्छी आ रही है, जैसे फॉर सपोज साजगार है उनकी आ रही है, फिर दीवान फॉरक मोटर का सुन लेंगे, उनकी भी प्रोडक्शन शुरू हो गई किया की जो कमर्शियल है शहजोर की, और प्लस BMW i5 जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल वो भी आई हुई उनकी, प्लस और भी उनकी खबरें हैं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये मार्केट में ला रहे हैं दीवान फारूक। तो दीवान फारूक का भी ऐसा जब ये देखें अभी तो कोई फंडामेंटल इसके स्ट्रांग नहीं है, तो ये अभी न्यूज बेस्ड है, चल रहे हैं, अगर ये मटेरियलाइज हो जाएंगे ये रूमर जो है न्यूज में कन्वर्ट हो जाएगी और ये प्रोडक्शन चालू स्टार्ट हो जाएगी, तो ये इसमें भी हम अच्छी जो है आगे रैली बनते हुए देख सकते हैं। दीवान फारूक मोटर पे भी आप फोकस कीजिएगा। पावर सेक्टर में बोलता रहा हूँ, पावर सेक्टर में भी गुंजाइश है, डाउन साइड पे देखें अभी, फिर देखें जून में फिर ही पावर सेक्टर जो है अनाउंसमेंट आएगी, इसमें हब पावर है, कोटद्दू पावर है, लाल पीर पावर है और निषाद पावर है और बहुत से हैं, एंग्रो पावर कादरपुर है, तो इनमें आप फोकस कर सकते हैं। डाउन साइड पे SPWL है, सेफ पावर है, तो ये छोटे छोटे पावर जो है आप देख सकते हैं, ये डिविडेंड ओरिएंटेड है, ये भी इनको आप डाउन साइड पे एक्यूमुलेट करें। और बाकी जो है अभी इस वक्त टेक्सटाइल की कुछ खबर आई थी, टेक्सटाइल को आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, अभी इसमें वॉल्यूम जब बनना शुरू हो ना तो फिर टेक्सटाइल में आप एंट्री ले सकते हैं, टेक्सटाइल भी अच्छा लगता है। टेक्सटाइल बड़े टेक्सटाइल में आप जैसे ना निषाद मिल, निषाद मिल बहुत अच्छा, निषाद मिल इटसेल्फ एक होल्डिंग कंपनी है, बहुत से जो है MCB इसके अंदर है, इसकी होल्डिंग कंपनी है निषाद है, और आपका जो है इसमें फूड का भी इसी का ही है, इसमें फूड है और टेक्सटाइल इटसेल्फ वो है, और ये जो इनके पोर्टफोलियो है लाल पीर पावर, निषाद पावर, पाक जैन पावर, ये सब निषाद मिल में, तो निषाद मिल में भी आप डाउन साइड पे फोकस कर सकते हैं, इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इस पे भी आने वाले दिनों में रैली बन सकती है। टेक्सटाइल की कोई न्यूज अच्छी आती है तो निषाद सबसे पहले अच्छी रैली बनाएगा, तो इन्हीं सेक्टर पे फोकस करें आप, और जो डाउन साइड पे जो लो RSI पे है ना उनका फोकस करें। टेक्नोलॉजी अभी चला नहीं है, टेक्नोलॉजी भी इंशाल्लाह चलेगा, नीचे डाउन साइड पे जो है एक्यूमुलेशन चल रही है इसकी भी, उसको भी टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी फोकस करें, उसको अंडर एस्टिमेट ना करें, तो आने वाले दिनों जब तेजी आएगी तो ये भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो इसी को देखते हैं बस। आप ये CPR पे आप फोकस करें, और जो मैंने आपको बता दिया ना ये MA 500, ठीक है ना, इसको आप प्लॉट करके रखें, इसी के हिसाब से आप देखते रहें, और स्टॉप लॉस भी इसी हिसाब से रखें, अगर हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, नीचे का वेट करें, या फिर कोई आप जो दूसरा स्टॉक है
मैं स्पेसिफिकली स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ। इंडेक्स का तो देखें, आप हमेशा स्टॉक पे फोकस करें, कि जरूरी नहीं है कि ये मार्केट माइनस में हो तो सभी स्टॉक गिरे। कुछ स्टॉक होते हैं जिनका आरएसआई लो होता है, वो उनकी फंडामेंटली भी वीक होते हैं तभी वो टेक्निकली परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपर साइड पे मूवमेंट दिखा रहे होते हैं, वो चाहे मार्केट 200 2000 माइनस हो वो अपर कैप खड़े होते हैं, तो उनको उनको फोकस करें। उनको भी टेक्निकली आप देख सकते हैं आरएसआई लो हो गया, जैसे बहुत ही नीचे आ गया, 20 पे आ गया है, 19 पे आ गया, तो उनको आप लेके आप डे ट्रेड कर सकते हैं या होल्ड कर लें। अगर अपर कैप होता है तो दूसरे दिन आप जो इसमें स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड करते हुए चले। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।